कर्नाटका चुनाव के बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज रीवा में कांग्रेस कमेटी ने तमाम पदाधिकारी जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्र हुए, वहां से रैली की शक्ल में सिमौर चौराहे के पास बजरंग बली मंदिर में गए, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, बजरंग बली को याद किया। हम आपको बता दें, बजरंग बली का मुद्दा कर्नाटका चुनाव में पूरी तरीके से छाया रहा, जहां देश के प्रधानमंत्री ने बजरंग बली का नारा लगा के वोट डालने की अपील की थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने की बात कही। हालांकि चुनाव काफी गहमा गहमी के माहौल में हुआ, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर एक तरफा जीत हासिल की है, उससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। कर्नाटका में कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय से रीवा में जश्न का माहौल। कर्नाटक चुनाव में खबर लिखे जाने तक कांग्रेस ने लगभग 137 सीटों पर बढ़त बना रखी थी। वहीं भाजपा ने 66, जनता दल एस ने 20 सीटों पर बढ़त बना दी थी। कर्नाटका में 224 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। बहुमत का जादुई आंकड़ा 112 का था। कांग्रेस ने बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीता, या फिर जीत चुकी थी, खबर लिखे जाने तक की बात है। काफ़ी अरसे बाद कांग्रेस के खेमे में इस तरीके की खुशी देखने में नज़र आई। कांग्रेस की इस ऐतिहासिक विजय पर रीवा के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने सिरमौर चौराहा स्थित अपने कार्यालय से शहर में जुलूस निकाला और पहुंच गए सीधे बजरंग बली के मंदिर में। जमकर नारेबाजी हुई, पटाखे फोड़े गए, बजरंग बली को याद किया गया। कांग्रेस पार्टी तमाम विश्लेषक की नज़र में कर्नाटका के जमीनी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी और उसे जनता का समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरीके से बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया और कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की अस्मिता से जोड़ दिया। लेकिन कर्नाटका की जनता ने अपने मुद्दे जमीनी हकीकत पर विचार मंथन करते हुए कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया। साफ तौर से कहा जा सकता है, कांग्रेस की यह जीत बताती है धर्म का कार्ड कर्नाटका में नहीं चला, जिसके चलते कांग्रेस ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। रीवा जिला और शहर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित तमाम पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे और ढोल सहित रीवा की सड़कों पर थे। जमकर नाच हुआ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तमाम छोटे बड़े कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमकर खुशियों में डूबे हुए थे। सिरमौर चौराहे में कांग्रेसियों ने बजरंग बली को याद किया। कर्नाटका में कांग्रेस की जीत ने रीवा में एक बार फिर से कांग्रेस को जश्न बनाने का मौका दे दिया, एक बार फिर से ढोल बजाने, पटाखे फोड़ने का मौका दे दिया। इसके पहले कांग्रेसियों को यह मौका मिला था महापौर के चुनाव में, जब अजय मिश्रा बाबा ने महापौर का चुनाव जीता था। हालांकि आज कांग्रेस की जीत कर्नाटका में कई मायने पर असर डालेगी निश्चित रूप से। निकट भविष्य में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में चुनाव होंगे, इसका असर साफ तौर से देखा जाएगा। तमाम विश्लेषक गणितज्ञ ये मानकर भी चल रहे हैं, क्या ये धर्म की राजनीति का खत्म होने का पहला संकेत दिखाई दिया है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको विश्लेषक आगे चल के खोजेंगे, लेकिन आज रीवा में जिस तरीके से कर्नाटका चुनाव के बाद कांग्रेसियों ने खुशी मनाई, माना जा सकता है मध्य प्रदेश में भी कांग्रेसी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में आ गए हैं, तैयारी उन्होंने कर ली है। अब देखना है कर्नाटका चुनाव का ये परिणाम मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ असर डालेगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरे इस ऐतिहासिक विजय पर हमने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष
राजेंद्र शर्मा से बात की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र शर्मा। जय जय ए जड़िया भैया, हनुमान जी महाराज की जय। बजरंग बली कलयुग के देवता हैं, हम लोगों के रीवा में तो इष्ट भगवान हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली का सियासी प्रयोग करना चाहा, राजनीतिक प्रयोग करना चाहा, उसके खिलाफ बजरंग बली ने आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया। आज हम सब लोग बजरंग बली के पास आए हैं, हम लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। अब हमको मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनानी है। मैंने जैसा प्रेस वार्ता में बोला कि ये जो जनादेश है, ये कर्नाटक में भी षड्यंत्र पूर्वक सरकार बनाई गई थी, कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिराया गया था, और मध्य प्रदेश में भी गिराया गया। ये षड्यंत्र के खिलाफ, जनादेश का अपमान करने के खिलाफ जनता का फैसला है, और बहुत जल्दी ये नवंबर में मध्य प्रदेश में भी सुनाया जाएगा मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा। आज शनिवार का दिन है जी, देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि जब बटन दबाना तो बजरंग बली को याद करना, तो क्या इस दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? जनता ने बजरंग बली को याद किया, तभी तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, और बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करने वालों का के खिलाफ फैसला दिया। बजरंग बली कांग्रेस के साथ है, बजरंग बली सत्य के साथ, बजरंग बली सत्य के साथ है, न्याय के साथ है, वो कलयुग के देवता है। और वो देखिए, जनता की लड़ाई लड़ना होगा, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बात करनी होगी, महंगाई और बेरोजगारी कम करने के तरीके बताने पड़ेंगे। जनता की समस्याओं को लेकर आप राजनीति करोगे, धार्मिक उन्माद फैलाकर आप राजनीति नहीं। बजरंग बली की प्रेरणा से ये जनता ने वजन दबाया है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और ये जनता का फैसला। पहले भी चुनाव होते रहे, अचानक से बजरंग बली कहाँ गए इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी जब डर जाती है, हार उसको सताने लगती है, तो उसको दो ही चीज़ याद आती है, या तो किसी भगवान का नाम का सहारा लेंगे, या धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, या पाकिस्तान चीन का रोना रोना लगेंगे। देखिए ये कर्नाटक का जो जनादेश है, ये वहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ से इन्होंने सरकार गिराना शुरू किया था, खरीद फरोख्त करके जनता के जनादेश को, जो जनता चुनती थी उसको गिरा कर खरीद फरोख्त के अपनी सरकार बनाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटका की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारी बहुमत का जनादेश दिया है। और ये जो जनादेश है, ये पूरे देश में इसी तरह की लहर चलेगी, 2024 में भी ऐसे ही बहुमत के जनादेश मध्य प्रदेश में मिलेगा।